अपडेट्स तो आप सबको पता है, डेली बेसिस पे लीगल अपडेट्स की हमारी ये क्लास होती है। दिस क्लास इज ब्रेकिंग लीगल। ओके, सो इन दिस क्लास आई हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स ऑफ अ डे विद यू ऑल। यहाँ पे जितने भी ऐसे इश्यूज होते हैं जो कि न्यूज में आ रहे हैं, तो डेली बेसिस पे हम ऐसे इश्यूज को उठाते हैं। अब वो न्यूज में चाहे आपके इंडियन एक्सप्रेस में आया हो, और चाहे द हिंदू में आया हो, चाहे आप लोग का लाइव ब्लॉग या बार एंड बेंच, ये है हम लोग का कवरेज। तो इन सोर्सेज में आया हुआ कोई भी लीगल इशू होता है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ रोज इसी टाइम पे। आप सबको पता है 12 बजे अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में। ये फ्री क्लास है तो रूटीन बेसिस पे आप सभी को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए। हालांकि सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो आप लोग वो चीजें आप बाद में ले सकते हो, उसके लिए भी डिस्काउंट कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इस क्लास के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए। तो दिस क्लास इज अ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एंड गोइंग बाय द लेटेस्ट ट्रेंड, गोइंग बाय द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ क्लैट, यू वुड हैव सीन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन लीगल एप्टीट्यूड सेक्शंस। नाउ दोस डेज आर गॉन व्हेन क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन वेरी वेरी कंजर्वेटिव, वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स ऑफ लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के जो बहुत ही बेसिक से फंडामेंटल्स होते थे, उन पे क्वेश्चंस अब नहीं पूछे जाते। अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो न्यूज में बने हुए हैं लॉ के, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे इश्यूज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, आपने सुना होगा रिसेंटली, एक अमृतपाल वाला इशू, वो वारिस पंजाब दे वाला, तो उसको भी हम उठाएंगे। अमृतपाल वाले इशू पे भी और अपडेट आने दीजिए, उसके ऊपर हम उसको भी उठाएंगे। आज हम लोग इस इशू को उठाएंगे जो राहुल गांधी का डिफमेशन केस है। तो राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी का डिफमेशन किया था, इसलिए इनके ऊपर एक केस हुआ था। ये 2019 का केस है, इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और जो हमारा एजेंडा है, सबसे पहले तो मैं इस डिफमेशन केस के बारे में बताऊंगा। तो डिफमेशन केस है, ये क्रिमिनल केस है, तो इस क्रिमिनल केस के बारे में पूरा जानेंगे। अब डिफेमेशन जो है वो एक क्राइम तो है, ये साथ ही साथ एक टॉर्ट भी है। तो टॉर्ट लॉ में डिफेमेशन का क्या एंगल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब इस केस में राहुल गांधी जी के ऊपर जो केस हुआ है, यहां पे इनको डिस्क्वालिफिकेशन भी झेलना पड़ सकता है। आप सबको पता है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केरला में, एक सीट जो कि वायनाड है वहां से, बट सिंस इनका कन्विक्शन हो गया है तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। अब इससे संबंधित रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सेक्शन नंबर 8 Clause 3 एप्लीकेबल है, इसके भी बारे में आपको पढ़ाऊंगा। और इनको अभी बेल दे दी गई है, 30 दिन के लिए इनका टर्म सस्पेंड किया गया और इनको बेल दी गई है। तो बेल के ऊपर भी जो इंडिया में कानून है वो भी बताऊंगा, और पूरे मुद्दे पे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हुए चलेंगे, क्विज करते हुए चलेंगे। तो ये सारा का सारा डिस्कशन आज की क्लास में होने वाला है। अगले 15 मिनट में ये सारे इश्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, कोशिश करेंगे इसको जल्दी से जल्दी निपटाएं, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस पर ली जाए। ठीक, शुरू करते हैं केस के बारे में। तो चलते हैं साल 2019 में। आप सबको पता है साल 2019 इलेक्शंस का ईयर था, इसी साल जनरल इलेक्शंस हुए थे, इसी साल जनरल इलेक्शंस हुए थे। इन जनरल इलेक्शंस में क्या हुआ वो तो हमको पता ही है भाई, कि अगली सरकार फिर से बन गई, मोदी जी फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, नरेंद्र मोदी जी। बट व्हाइल द इलेक्शंस वर हैपनिंग, रादर बिफोर द इलेक्शंस, अलग अलग पार्टीज अपनी कैंपेन करती हैं, इलेक्शन कैंपेन करती हैं, राइट? तो इस इलेक्शन कैंपेन में राहुल गांधी जी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे कहां पे? कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट कोलार में। कर्नाटका में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बोलते हैं कोलार। तो कर्नाटका इंडिया में, ये स्टेट अपना कर्नाटका है इधर ऐसा मोटा मोटा, और यहां पे है एक जगह कोलार। अच्छा, कोलार एक और कारण से बहुत फेमस है। कोलार फेमस है फॉर दी कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है केजीएफ। ये जो मूवी केजीएफ आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी फेमस मूवी है, KGF 1 2 जो भी है, ये सब उसी पे बेस्ड है। एनी विच वे, कमिंग टू आर डिस्कशन हियर, तो कर्नाटका के इस कैंपेन में राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी के बारे में बताया भाई कि हम जीतेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है। तो इन्होंने भी यही किया, कुछ अलग नहीं किया। लेकिन इन्होंने एक काम किया जिसकी वजह से इनके ऊपर एक केस हो गया। क्या किया इन्होंने देखो, जब ये खड़े हो गए अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तो इन्होंने एक ऐसी बात कही और रेफरेंस में ही, हालांकि डायरेक्टली इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, इन्होंने ये नहीं बोला कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऐसा वैसा ऐसा कुछ इन्होंने नहीं बोला, लेकिन फिर भी इन्होंने एक रेफरेंस में, रेफरेंस को क्या बोलते हैं, रेफरेंस के लिए टर्म होता है, इसको हम बोलते हैं इनुएंडो। जब मैं बोलूं, जैसे मान लो आप हो इस क्लास में, मान लो टोटल
लेट्स से यहां पे 80 बच्चे हैं, लेट्स से। अब 80 बच्चे में एक स्टूडेंट है अपना, लेट्स से दीपक। अब दीपक का जो हेयर है मान लो रेड है, तो मैंने बोला कि भाई जो लाल बाल वाला इंसान है वो बहुत ही स्टूपिड है। अब मैंने कहीं भी दीपक का नाम लिया नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, बुरा मत माना दीपक भाई, ठीक है, तुम भी जाके मेरे ऊपर केस कर दो, ये सब मत करना। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, लोगों को क्या लगा, लोगों को तो यही लगा कि भाई मैं दीपक को स्टूपिड बोल रहा हूं। तो यही काम कुछ ऐसा राहुल गांधी जी ने किया। तो रागा ने क्या किया, रागा जी ने ये बोला कि ऐसा क्यों है कि सारे जो क्रिमिनल्स हैं, सारे जो लीचर लोग हैं, उनका नाम मोदी है। ऐसा इन्होंने बोल दिया। क्या बोला इन्होंने, बोला कि पता नहीं क्यों ऐसा क्यों है कि सारे क्रिमिनल्स का नाम सरनेम मोदी है। तो जाहिर सी बात है, दिस वाज अ वेल्ड अटैक और अ वेल्ड रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिकॉज ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी इज हिज पॉलिटिकल ओपोनेंट। सो दैट इज हाउ दिस केस वाज कंस्ट्रक्टेड। और इसको लेके, इस बात से आहत होके, इस बात से हर्ट होके, एक एमएलए है, एमएलए है, कहां के एमएलए हैं, ये गुजरात के एमएलए हैं। तो गुजरात में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको हम बोलते हैं सूरत, आई थिंक इट इज सूरत वेस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवे आपको बस सूरत याद रहे इतना काफी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसे हटा दो। तो सूरत के एक एमएलए हैं, इन्होंने इनके खिलाफ जाके कंप्लेंट फाइल कर दी। क्लियर हो गया। इन एमएलए का नाम क्या है, इनका नाम है पूर्णेश मोदी, इनका नाम है पूर्णेश मोदी। तो पूर्णेश मोदी जी जो कि एमएलए हैं गुजरात में, इन्होंने जाके राहुल गांधी के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। कहां पे कंप्लेंट फाइल हुई, सूरत में होगी ना भाई, सूरत में कंप्लेंट फाइल हुई। क्लियर। अब जब ये कंप्लेन फाइल होती है सूरत में, तो सूरत में साल 2019 में फाइल्ड इस कंप्लेन के ऊपर सुनवाई करते हुए, इस कंप्लेन के ऊपर सुनवाई करते हुए जो जज थे बेसिकली। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, सूरत में कंप्लेन फाइल हुई है तो जाहिर सी बात है इट इज नीदर द हाई कोर्ट नॉर द सुप्रीम कोर्ट, राइट पीपल। इफ द कंप्लेन हैज बीन फाइल्ड इन सूरत, सो इट इज नीदर द हाई कोर्ट नॉर द सुप्रीम कोर्ट। एम आई वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? सो What does this mean? It was the district court. ये क्या था? District court. आप इसको district court भी बोल सकते हो और आप इसको sessions court भी बोल सकते हो। चलो मैं आपसे एक question पूछता हूं, एक बहुत ही basic सा question है, आप लोग answer कीजिएगा। मैंने दो शब्द यहां पे लिखे, एक शब्द है district court, शब्द मतलब दो चीजें लिखी मैंने यहां पे, district court, और यहां पे एक चीज लिखी sessions court। आपको क्या लगता है इस केस में appropriate term क्या है? इसके लिए ट्रू कीजिएगा, इसके लिए फॉल्स कीजिएगा। चलिए एक पोल करते हैं और देखते हैं आप लोगों का क्या मानना है। जितने लोग इस क्लास को बाद में देख रहे हैं, आप लोग भी इस पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कमेंट में जैसे भी आपको करना है, यू कैन डू इट। सो लेट्स हैव अ क्वेश्चन, व्हाट विल बी एन एप्रोप्रिएट टर्म हियर फॉर द सूरत कोर्ट, जहां पे कंप्लेंट फाइल हुई थी, इसके लिए एप्रोप्रिएट टर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट, बताइए। बहुत सही। देखिए हम बता दें आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम बात करते हैं कोर्ट्स की, वो भी एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होता है ना, वो कोर्ट का बिल्डिंग सेम है, यही है कोर्ट, यही है कोर्ट। लेकिन जब इसी कोर्ट में एक सिविल केस फाइल होगा, तो इसको बोला जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इसी कोर्ट में जब क्रिमिनल केस फाइल किया जाएगा, तो इसको बोला जाएगा सेशंस कोर्ट। क्लियर। तो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो कोर्ट है उसको आप डिस्ट्रिक्ट या सेशंस कोर्ट बोलते हो, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच टाइप ऑफ केस इज फाइल्ड देयर। तो केस के रेफरेंस में इसके नाम होते हैं। अगर क्रिमिनल केस फाइल हुआ है तो सही टर्म क्या होगा, सेशंस कोर्ट। तो इस केस में सही आंसर क्या है, सेशंस कोर्ट, राइट पीपल। इज इट वेरी वेरी थरो, वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब इस सेशंस कोर्ट में, जो कि सूरत में सेशंस कोर्ट था, तो सूरत के सेशंस कोर्ट में ये केस फाइल हुआ, सूरत के सेशंस कोर्ट में ये केस फाइल हुआ। और इस केस की सुनवाई किसने की, सुनवाई की जिस जुडिशियल ऑफिसर ने, उनकी रैंक क्या है, द रैंक इज CJM, बोले तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। क्लियर, गॉट दिस एवरीवन? नाउ इन द सीजेएम्स कोर्ट, इस सीजीएम के कोर्ट में जो जज थे उनका नाम क्या है, जज का नाम क्या है, जज का नाम है H.H. वर्मा, H.H. वर्मा। इनका नाम इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा।
कंप्लेनेंट का नाम भी याद कर लीजिएगा, कंप्लेंट किसने फाइल की थी, कंप्लेंट फाइल की थी मिस्टर पूर्णेश मोदी ने, मिस्टर पूर्णेश मोदी ने, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम याद कर लीजिएगा, क्लियर। तो पूर्णेश मोदी की कंप्लेंट पे सुनवाई की किसने, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मिस्टर एचएच वर्मा ने। क्लियर हुआ सबको इतना, क्लियर हुआ। इस केस में कौन से चार्जेस लगे, इस केस में कौन से चार्जेस लगे, कौन से चार्जेस लगे, तो जाहिर सी बात है यहां पे हुआ क्या है, मिस्टर राहुल गांधी ने, मिस्टर राहुल गांधी ने एक तरीके से आप बोल सकते हो बेइज्जती या मानहानि की, बेइज्जती या मानहानि की किसकी, मोदी जी की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, इनकी क्या की, इनकी इन्होंने डेफेमेशन की आप बोल सकते हो। देखो होता क्या है, जब भी हम डेफेमेशन की बात करते हैं, आप लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि यार जब हमने पढ़ा, जब हमारी मैम ने पढ़ाया, जब हमारे सर ने पढ़ाया, तो हमको तो डेफेमेशन एज अ टॉर्ट पढ़ाया गया, तो ये बताइए सीजीएम के कोर्ट में केस क्यों फाइल हो रहा है। दिस केस शुड हैव बीन रादर फाइल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राइट पीपल, ये केस तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होना चाहिए था ना, कि जब डेफेमेशन का केस है, जो टॉर्ट होता है, ये तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होना चाहिए था, ये तो सिविल कोर्ट में होना चाहिए था, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये कोर्ट सीजीएम का कोर्ट चल रहा है, सेशंस कोर्ट में क्यों फाइल हो गया, व्हाई आर यू फाइलिंग इट एज अ क्रिमिनल केस। तो मैं बता दूं, देखो जब एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान हो जैसे मैं और आप, हमारे और आपकी बेइज्जती हो, हमारी मानहानि होगी, तो वो केस कहां पे फाइल किया जाएगा, वो केस फाइल किया जाएगा एक सिविल केस के तौर पे, टॉर्ट के तौर पे। जब भी एक प्राइवेट लॉस हो रहा है, एक प्राइवेट बंदे का लॉस हो रहा है, एक इंडिविजुअल का लॉस हो रहा है, जिससे किसी को मतलब नहीं है, जैसे मी एंड यू, ये केस एक सिविल केस बनेगा और ये होगा टॉर्ट केस। तो ये टॉर्ट केस कहां फाइल होगा, दिस विल बी इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एज अ सिविल केस। बट इन दिस केस द डेफेमेशन विच इज बीइंग डन इज नॉट जस्ट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, इट्स अबाउट an official who is a very very important person in our country, he is the prime minister of our country, hamari jo government hai uske jo elected head hai mr prime minister, ye koi mamooli banda to hai nahi ki koi ek aisa hi koi insaan ho chalta firta ha bhai ho gaya bhai, ye to ek important post ho gayi na yaar, ye hamare prime minister modi ji hain, तो भाई इनका अगर आप बात करोगे तो इनके खिलाफ आपने डिफेमेशन किया है, इसीलिए यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे क्रिमिनल केस बन रहा है, ना कि एक सिविल केस बन रहा है। ये बात क्लियर हुई सबको, यस पीपल, आप क्लियर हो गया कि ये सिविल केस क्यों बन रहा है, ये क्रिमिनल केस क्यों नहीं बन रहा है, सॉरी ये क्रिमिनल केस क्यों बन रहा है, ये सिविल केस क्यों नहीं बन रहा है, इसीलिए क्योंकि यहां पे जो डिफेमेशन हुआ है वो एक नॉर्मल इंसान का नहीं हुआ है, बल्कि एक पोस्ट का हुआ है, एक ऑफिशियल का हुआ है, गवर्नमेंट ऑफिशियल का, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है। क्लियर, गॉट दिस। नाउ जब ये केस किया गया, अच्छा केस के आगे चलने के पहले एक हैंडआउट है, मैं आपको हैंडआउट दिखाना चाहूंगा। सो देयर इज दिस न्यू बैच कॉल्ड द लेवल अप बैच, सो लेवल अप बैच इज कमिंग अप, यू ऑल कैन जॉइन दिस बैच, एंड यहां पे आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं एकेडमी पे, दे आर टीचिंग यू फॉर योर अपकमिंग क्लैट एंड एलिट एग्जाम्स, यू कैन यूज द डिस्काउंट कोड RAGVIN10 टू अनलॉक द फीचर्स ऑफ दिस कोर्स एंड ऑल्सो टू एनरोल फॉर द course. Also, if you are not yet on the Unacademies Plus or Iconic program, where these courses are available, you can join them using this discount code. You'll be getting maximum discounts. Whichever discount, whichever scheme is applicable, that will be automatically applied. Now, coming back to the case here, so we discussed that it's a criminal case. ये बात तो आपको समझ में आ गई? ये criminal case है. ये case जो है, ये normal defamation का case नहीं है. ये criminal case है defamation का. तो जाहिर सी बात है जब ये क्रिमिनल केस है डिफेमेशन का, तो इसकी बात कहीं ना कहीं हमारे इंडियन पिनल कोड में भी होगी, और अगर इंडियन पिनल कोड में नहीं होगी तो इसके लिए कोई सेपरेट पिनल लॉ होगा। तो क्या कोई डिफेमेशन के लिए सेपरेट पिनल लॉ है हमारे कंट्री में? द आंसर एज एंटिसिपेटेड, नो। सो आईपीसी में कहीं ना कहीं होगा, तो आईपीसी में कहां होगा, चलो इसके लिए एक पोल करते हैं। इसके लिए है सेक्शन नंबर 499, इसके लिए है सेक्शन नंबर 500, इसके लिए मान लेते हैं दोनों में है, और हमको तो लगता है कहीं भी नहीं है। आप लोग को क्या लगता है, आप लोग पोल करके बताएं, जो लोग क्लास बाद में दे रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोग भी कमेंट कीजिए, कमेंट करके पोल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पोल तो आपके लिए अब नहीं पॉसिबल हो पाएगा, बट कमेंट करके आप लोग पोल कर सकते हो, वीडियो पॉज कर लो और कमेंट करके पोल कर लो। तो अधिकतर लोगों का क्या कहना है,
अधिकतर लोगों का क्लास में ये कहना है कि क्रिमिनल डिफेमेशन की बात की जा रही है कहां पे, सेक्शन नंबर 499 और सेक्शन नंबर 500 में, सेक्शन नंबर 499 और सेक्शन नंबर अगला क्या है 500 में। देखो सेक्शन नंबर 499 में बोला गया है डिफेमेशन के बारे में, डिफेमेशन को बताया गया है सेक्शन नंबर 499 में, क्लियर। लेकिन जो इसकी पनिशमेंट है, दिस पनिशमेंट हैज बीन स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन नंबर 500, दिस इज टॉकिंग अबाउट द पनिशमेंट। तो अगर बोथ का ऑप्शन आया है तो आपको बोथ चूज कर लेना है। अगर सिर्फ 499 ऑप्शन होता तो आप क्या करते, अगर सिर्फ और सिर्फ 499 होता तो आप 499 चूज कर लेते, लेकिन सिंस यहां पे दोनों चीजें तो आपको दोनों चूज करना था। क्लियर हो गया, क्लियर। तो आंसर क्या होगा यहां पे, आंसर होगा बोथ, बोथ ए एंड बी, दोनों ही चीजें सही आंसर है, क्लियर। तो इनके ऊपर डेफामेशन का केस हुआ, अंडर सेक्शन नंबर 499 और इनको पनिश किया गया अंडर सेक्शन नंबर 500। अच्छा आपको पता है डेफामेशन की क्या पनिशमेंट दी हुई है हमारे इंडियन पिनल कोड में? द इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स फॉर व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट, क्या फाइन है, क्या जेल है, क्या है, क्या है? देखिए यहां पे ये बोला गया है कि आपको मैक्सिमम, देखिए जब भी पनिशमेंट दी होती है ना तो पनिशमेंट वाले प्रोविजंस में हमेशा मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है, बात समझ रहे हो आप, ये क्लियर हो गया। तो क्या बोला गया है कि मैक्सिमम ये हो सकता है कि आपको सिंपल इंप्रिजनमेंट दे दिया जाए, कितना, 2 साल तक का, अप टू 2 ईयर्स, और फाइन, और बोथ। या तो 2 साल तक की तुमको वो मिल सकती है जेल, या तो तुम्हारे ऊपर फाइन लगा सकते हैं, या दोनों ही हो सकता है, क्लियर हो गया। सो दिस इज द पनिशमेंट दैट हैज बीन स्टिपुलेटेड फॉर डिफेमेशन अंडर सेक्शन नंबर 500 ऑफ आईपीसी। क्लियर एवरीवन, वेरी वेरी क्लियर, एनीवन एनी डाउट? यस पीपल, गॉट दिस? किसी कोई शक है तो बता दीजिए। सो क्वेश्चन इज, कांट अ नॉर्मल पर्सन लाइक अस यूज सेक्शन नंबर 500 इफ यू कांट फाइल अ क्रिमिनल केस, देन इज इट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी? ओके, लक्ष्य इज सेइंग दैट कांट अ नॉर्मल पर्सन लाइक हिम और मी फाइल अ केस अंडर सेक्शन नंबर 499, एंड इफ ही कांट, इजंट इट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी? ओके, डू यू थिंक the public image of a normal person like you or me is same as the public image of the prime minister of india? I'll seek the answer of this question first and thereafter I'll answer your question. What do you think? The public image, the reputation in public of me and you or any random citizen of this country or any other person in this country, is it same as the prime minister of india or the president of india or any high ranking government official or a public figure? No. So the question, I suppose the answer is clear here, right people? Okay? अच्छा clear? भाई दीपक अच्छे से बात कर, ऐसे क्या कर रहा है, प्रतिनिधि क्यों कर रहा है, मत कर, okay? अच्छा, अब हमने ये देख लिया कि इस केस में हुआ क्या, इस केस में गांधी जी के ऊपर केस हुआ और इनको भेज दिया गया जेल में, जेल में भेज नहीं दिया गया, इनके ऊपर पनिशमेंट सुनाई गई। अच्छा इनको क्या पनिशमेंट दी, जो सीजीएम कोर्ट था, सीजीएम कोर्ट अंडर जस्टिस एचएच वर्मा, इन्होंने क्या पनिशमेंट दी, इन्होंने इनको दी है 2 साल की जेल, 2 ईयर्स ऑफ जेल, इनको 2 साल का प्रिजन टर्म दिया गया है, क्लियर हो गया, इनको 2 साल का प्रिजन टर्म दिया गया है, क्लियर हो गया सबको? बोलिए जी एवरीवन, इज दिस क्लियर नॉट? ही हैज बीन हैंडेड अ प्रिजन टर्म फॉर 2 ईयर्स, क्लियर। बट क्या वो जेल में है? नहीं। हुआ क्या है, जेल टर्म सुनाने के बाद इनकी जेल टर्म को सस्पेंड कर दिया गया, इनकी जेल टर्म को सस्पेंड कर दिया गया फॉर 30 डेज, 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और इनको परमिशन दिया गया है अपील करने के लिए, क्लियर हो गया, इनको बोला गया है कि आप हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो, क्लियर हो गया, इज इस क्लियर, क्लियर। साथ ही साथ करंटली इनको बेल पे छोड़ा गया है, बाहर। जब हम बेल की बात करते हैं तो बेल भी एक इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है जो कि आप लोग को जानना जरूरी होता है, हालांकि बेल के ऊपर मैं डिटेल क्लास आप लोग को लूंगा,
जब मैं आप लोग को मिसलिनियस लॉज पढ़ाऊंगा, सीआरपीसी वगैरह, लेकिन अभी मैं आप लोग को आपकी इन्फॉर्मेशन बेल की पूरी देता हूं जितनी अभी हमारे काम की है. बेल इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट. बेल इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट. क्लियर. इट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट. ओके क्लियर. व्हाट इज बेल? बेल इज प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट. क्लियर. समझ में आ गया सबको? बोलो भाई. बेल क्या है? बेल है अरेस्ट से प्रोटेक्शन. इसकी बात कहां कही गई है? दिस हैज बीन टॉक्ड अबाउट अंडर द सीआरपीसी. सीआरपीसी बोले तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. हमारे देश का जो क्रिमिनल प्रोसीजर का कोड है, क्रिमिनल लॉ का जो प्रोसीजर है, वो कहां पे दिया हुआ है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है. तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में क्या होता है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आप लोग का सेक्शन नंबर 436 से लेके सेक्शन नंबर 439 तक आप लोग के बेल की बात कही गई है. क्लियर. समझ गए? क्लियर. अब बेल जब भी दी जाती है तो उसके लिए आपको एक बॉन्ड भरना पड़ता है. बेल बॉन्ड भी भरना पड़ता है. बॉन्ड मतलब आपको जमानत में कुछ पैसे भरने पड़ते हैं. इसको क्या बोलते हैं? श्योरिटी बोलते हैं. क्लियर. तो राहुल गांधी को श्योरिटी कितनी देने को बोला गया है? इनको श्योरिटी देने को बोला गया है 15,000 की. 15,000 की अमाउंट का श्योरिटी इनको देने को बोला गया है. क्लियर. बेल बॉन्ड से संबंधित बातें कहां कही गई हैं? दिस हैज बीन मेंशन अंडर सेक्शन नंबर 440 से लेके 450. क्लियर. सेक्शन 440 से लेके 450 तक सीआरपीसी में बात की गई है श्योरिटी की. अभी पूरा सीआरपीसी में चल रहा है. बेल की बात पूरी सीआरपीसी में है, यहां पे आईपीसी इन्वॉल्व नहीं हुआ है. क्लियर हुआ सबको? तो ये बात क्लियर हो गई सबको? क्लियर. यस, आपको बाद में पैसे मिल जाते हैं. क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर पीपल? नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्लास. लास्टली हमको एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है. देखिए, हमने जान लिया राहुल गांधी का डिफामेशन केस. हम लोगों ने डिफामेशन केस में यह भी देख लिया कि भाई सिविल और क्रिमिनल डिफामेशन का फर्क. साथ ही साथ हमने प्रोसीडिंग्स जान ली जो सीजीएम की कोर्ट में हुई. फिर हमने इनके बेल के बारे में भी जान लिया. राइट. क्लियर. अच्छा, आगे चलने के पहले सबसे पहले तो मैं डिफेमेशन पे एक हल्का सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद डिफेमेशन के बारे में ना पता हो. डिफेमेशन का मतलब क्या होता है? डिफेमेशन का मतलब होता है किसी की रिस्पेक्ट को कम करना. डिफेमेशन के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? डिफेमेशन होने के लिए जब भी आप एक फॉल्स स्टेटमेंट देके, किसी की रेप्यूटेशन को डाउन करते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया? लॉस ऑफ रेपुटेशन किया. लॉस ऑफ रेपुटेशन. लेकिन क्या तुमने उसको अकेले में कुछ गलत बोल दिया तो उससे हो जाएगा? मान लो मैंने तुमको बोला कि यार तेरा भी नाम मोदी है, तू तो एक नंबर का चोर होगा, क्योंकि सारे मोदी चोर होते हैं. यही चीज मान लो राहुल गांधी ने मोदी जी को पर्सनली बोला होता, तो क्या चीज तब भी ये राहुल गांधी का ये डिफेमेशन होता? नहीं, क्योंकि इसके लिए पब्लिकेशन जरूरी होता है. पब्लिकेशन मतलब कोई ना कोई थर्ड पार्टी वहां पे हो, वहां पे पब्लिक मौजूद होनी चाहिए. उन दो लोगों के अलावा पब्लिक भी वहां पे होनी चाहिए. क्लियर. तो यहां पे अगर कंडीशन देखी जाए तो पहला कंडीशन क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट. क्या राहुल गांधी का स्टेटमेंट फॉल्स था? क्या इन्होंने जो बोला कि सारे क्रिमिनल मोदी होते हैं, तो क्या स्टेटमेंट फॉल्स था? बिल्कुल सही बात है भाई, ये थोड़ी कि हर कोई मोदी बंदा क्रिमिनल नहीं होगा. दूसरी बात, क्या पब्लिकेशन हुआ? बिल्कुल पब्लिकेशन हुआ. क्या लॉस ऑफ रेपुटेशन हुआ? भाई प्राइम मिनिस्टर की बहुत ज्यादा इज्जत होती है, उनकी तो लॉस ऑफ रेपुटेशन हो ही सकती है. अगर कोई नॉर्मल बंदा होता तो हो सकता है उसकी लॉस ऑफ रेपुटेशन ना होती, लेकिन इनकी तो बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन है, इंडिया से लेकर अब्रॉड हर जगह है. तो ऑब्वियसली बात है, तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई. इसीलिए इस केस में क्या हुआ? राहुल गांधी का डिफेमेशन केस एस्टैब्लिश हो गया था. कई बार हम लोग को ऐसा भी लगता है कि चीजें पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती हैं, तो इतना भी हम लोग को देखना चाहिए कि लीगल प्रिंसिपल्स एंड लीगल सैंक्शंस आर अबव एवरीथिंग. वॉट एवर एस्पर्शंस वी आर कास्टिंग कि भाई दिस कैन बी पॉलिटिकली मोटिवेटेड और दिस कैन बी अ फॉल्स केस और व्हाटएवर थिंग्स देयर आर, बिकॉज इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल अफेयर है. तो यू नो हाउ मालाइन थिंग्स आर देयर. बट इवेंचुअली अगर आपको टेस्ट करना है कि कोई चीज पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि क्या है, तो भाई सीधा सा रास्ता है कि गो बाय द लॉ. जो कानून कह रहा है कानून के साथ जाओ. तो कानून वो चीज कह रहा है तो भाई पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर वो चीज कानून के अकॉर्डिंग नहीं है, तब वो चीज बहुत चांसेस है कि हो सकता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो. बिकॉज दिस इज वॉट हैपन्स, पीपल हु आर इन पावर, वॉट दे डू इज दे विल ऑब्वियसली टेक advantage of it, they'll try to curb their own opponents, their adversaries. So this is what happens, right?
क्लियर क्लियर गॉट दिस, समझ में आ गया? देखिए बहुत कुछ लग सकता है इस केस में, जो केस फाइल किया था बंदे ने वो केस फाइल किया था डेफेमेशन का, तो डेफेमेशन की बात हो रही है यहां पे, क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर सर? इन टॉर्ट डेफेमेशन इज इन विच सेक्शन? देखो टॉर्ट लॉ में कोई एक्ट नहीं होता, डेफेमेशन का कोई सेक्शन नहीं है टॉर्ट लॉ में, कोई सेक्शन कोई एक्ट नहीं होता, ध्यान रखिएगा। टॉर्ट लॉ में पढ़ाऊंगा तो उसके बेसिक्स आपको क्लियर कर दूंगा, अभी आप इतने पे लिमिटेड रहो, ठीक? टॉर्ट लॉ में सेक्शन नहीं होते, ध्यान रखना। अब फाइनली हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी के, राहुल गांधी के फ्यूचर के बारे में। तो राहुल गांधी की अगर बात करें, आप सबको पता है ये एक बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन है, बहुत ही सीनियर युवा नेता है, माय बैड। सो ऑल्सो ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम अमेठी, नहीं नहीं अमेठी में तो ये हार गए थे, अमेठी से पहले थे ये, बाद में ही बिकेम, ही कंटेस्टेड फ्रॉम वायनाड, ही इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड। वहां कहां पे है वायनाड? वहां पे है, वहां कहां? केरला में है, केरला में है। क्लियर हो गया? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट राहुल गांधी जी, इनका फ्यूचर में हो सकता है कि इनको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए, इनको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इनकी जो एमपी की पोस्ट है ये इनसे ले ली जाए और इनको एमपी की पोस्ट से हटा दिया जाए। ऐसा क्यों? सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एज पर सेक्शन नंबर 8 क्लॉज 3 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इफ अ पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड विथ अ सेंटेंस ऑफ और विथ अ पनिशमेंट ऑफ, सेंटेंस बोलो चाहे पनिशमेंट बोलो सेम थिंग, 2 years और मोर, इन दैट केस सच पर्सन रिमेन्स डिस्क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर कोई भी एमपी या एमएलए किसी क्रिमिनल केस में कन्विक्ट होता है और उसकी पनिशमेंट 2 साल या उससे ज्यादा की है तो उस केस में उसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा उसकी पोस्ट से, चाहे वो एमपी हो चाहे वो एमएलए हो। क्लियर हो गया? क्या ये बात बहुत क्लियर हो गई सबको? यस पीपल, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू म्यूनिसिपैलिटी। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट पीपल, ओके। ये डिस्क्वालिफिकेशन किसके लिए रहेगा? ये डिस्क्वालिफिकेशन कब कब के लिए रहेगा? मान लो इस बार लोकसभा इलेक्शन से इनको एमपी बने, डिस्क्वालिफाई कर दिया गया। अब जब 2024 में इलेक्शन होगा तब तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज द डिस्क्वालिफिकेशन इज फॉर दैट टर्म, उस टर्म के लिए प्लस 6 more years, वो टर्म प्लस 6 और साल के लिए डिस्क्वालिफाई किया जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? इज दिस क्लियर पीपल? फॉर दैट टर्म एंड 6 more years। तो अगर राहुल गांधी डिस्क्वालिफाई होते हैं तो पहला तो 2024 तक वो डिस्क्वालिफाई रहेंगे, पूरा टर्म उनका डिस्क्वालिफाई हो गया। उसके बाद भी जब वो छूटेंगे तो 6 साल और भी वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे, 6 साल और तक उनको इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, वो डिस्क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर पीपल? बोलिए, इज इट वेरी वेरी थरो टू एवरीवन? इस पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस भी है एंड दिस केस इज ऑफ ईयर 2013। इसी पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट का एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है, एक लैंडमार्क केस है जिसको आप लोग लैंडमार्क बोलते हैं, लैंडमार्क केस है। इस केस का नाम है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर? दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट केस ऑन दिस पॉइंट ऑन सेक्शन नंबर 8 क्लॉज 3 ऑफ द रोपा 1951। क्लियर एवरीवन? इज इट वेरी वेरी क्लियर टू एवरीवन हियर? यस पीपल, बोलिए जी।
किसी कोई शक कोई डाउट अभी तक तो मुझे बताइए. आई एम श्योर दिस वुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू नाउ. नाउ इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट, यू कैन पुट द कमेंट्स, आई विल सी द कमेंट्स एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दीज क्वेश्चंस और डाउट्स. ओके सो क्विक. या जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 8 क्लॉज 3 की, 8 क्लॉज 3 जैसा मैंने बोला इट टॉक्स ओनली अबाउट द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स. क्लियर हो गया? इट डज नॉट टॉक अबाउट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, बी इट म्यूनिसिपैलिटी और बी इट योर पंचायती राज. राइट? ओके क्लियर. समझ में आ गया. लिली थॉमस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस इंपॉर्टेंट इसलिए है, जानते हो क्यों ही है? इसके लिए खास बात क्या है? पहले क्या करते थे लोग, पहले मान लो किसी बंदे को 2 साल की सजा हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने की, अब तुरंत इन्होंने अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट में. लेट से अब हाई कोर्ट में केस चलता रहेगा भाई, 5 साल 10 साल चल रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा. और लोग अपील करके कहते थे कि यार मेरे को क्रिमिनल प्रूफ कैसे कर सकते हो आप, अभी तो ये चीज अपील में चल रही है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में मेरा केस पेंडिंग है, तो मेरे को अभी पनिश मत करो, मेरे को डिस्क्वालीफाई मत करो. तो लोग इसका फायदा उठाते थे. तो इस चीज को बंद करवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में. सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बंद करवा दिया कि लोग इसका नाजायज फायदा ना उठा सकें और अपील करके अपने आप को बचा ना सकें. क्लियर हो गया? इज दिस क्लियर पीपल? सो आई एम श्योर नाउ एवरीथिंग वुड बी वेरी वेरी क्लियर. अब एक क्वेश्चन है कि अगर यही चीज राहुल गांधी पार्लियामेंट में बोलते तो क्या वो बच जाते? देखो अगर पार्लियामेंट में बोलते तो इनकी सारी बातें कवर होती अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज. आप सबको पता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज गिवन अंडर आर्टिकल नंबर 105. इसमें क्या है, अगर कोई भी बंदा कुछ भी बोल रहा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसके लिए उसको आप गिल्टी नहीं होल्ड कर सकते. तो अगर ये यहां पे बोल रहे होते तो बच जाते क्योंकि तब ये डिफेमेशन ना होता. क्यों? क्योंकि आपको पता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो होता है वो डिफेमेशन का एक एक्सेप्शन होता है. लेकिन सिंस यहाँ पे डिफेमेशन उस समय तो ना होता, लेकिन इस केस में इन्होंने पार्लियामेंट में नहीं बोला जब, बल्कि एक रैली में बोला, पार्लियामेंट के बाहर बोला, इसलिए इनके ऊपर ये चीज केस बना और इनको सजा दी गई. क्लियर? गॉट दिस पीपल? ओके परफेक्ट. सो पीपल दैट विल बी इट फॉर नाउ. आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं. एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे. एग्जाम में ऐसी चीजें आ जाएं इसके बहुत चांसेस हैं, तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से आपको याद कर लेना है. आगे आने वाले क्लासेस में इन टॉपिक्स को और डिटेल में भी करेंगे, आपके एग्जाम्स के पहले ऐसे टॉपिक्स और उठाए जाएंगे और इनको और डिटेल में किया जाएगा. लेकिन तब तक के लिए इसको प्लीज ढंग से नोट कर लें, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लें, और अगर सब कुछ क्लियर है तो बहुत ही अच्छी बात है. मैं आपके साथ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आने वाले दिनों में. और अगली क्लास में मैं आप लोग को मैरिटल रेप का डिस्कशन कराऊंगा. आपको पता है द हिंदू में मैरिटल रेप को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकला है. सुप्रीम कोर्ट मैरिटल रेप के ऊपर एक कमेंट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मैरिटल रेप का डिस्कशन करूंगा आपसे. वहां पे सेक्शन नंबर 375, सेक्शन नंबर 376, सेक्शन नंबर 376B आईपीसी का डिस्कस होगा और इसके ऊपर पूरा लॉ डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, तो आने वाली क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप लोगों के लिए इतना ही है. I am sure आपको इस चीज समझ में आई होगी. All of you would have understood whatever things we discussed today. If in case you did not understand anything, you can always ask such questions. जरूरी नहीं कि इस क्लास में अगर नहीं आ रहा है तो बाद में नहीं पूछ सकते, बाद में भी आप पूछ लो, कभी भी पूछ लो. ठीक है, और बहुत ही जल्दी ब्रेकिंग लीगल के डिस्कशन के ऊपर और न्यूज नगेट्स के ऊपर क्विज रखेंगे, तो इस क्विज के लिए भी बहुत जल्दी कुछ प्रोग्राम बनाते हैं. ठीक है, कोशिश करूंगा आज शाम को 7 बजे ही इसके ऊपर क्विज रखूं, तो आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोग देख रहे हैं, पिंड है यहाँ पे चैट सेक्शन में, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, कमेंट सेक्शन में पिंड है. क्लियर? राहुल गांधी हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके खिलाफ, बिल्कुल कर सकते हैं अपील. ठीक, सो पीपल दैट विल बी इट फॉर दिस क्लास. आई एम श्योर यू ऑल अंडरस्टूड. इफ यू आर अंडरस्टूड इट, वेरी गुड. इफ यू डिड नॉट, फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन केस ऑफ एनी डाउट्स. राइट? ओके, बाय.